I had twisted my ankle today. आज मेरा पाँव मुड़ गया था. I had defeated many big players during my time. मैंने अपने दौर में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को शिकस्त दी थी. If you had listened to me, we would not have been in this state today. अगर आप मेरी बात मानते तो आज हम इस हालत में ना होते. When you called up your courier had already arrived. जब आपने फ़ोन किया तो आपका कोरियर पहले ही आ गया था. I had gone to meet Mujahid without informing at home. मैं घर बताए बगैर मुजाहिद से मिलने गया था. I had already recharged your phone. मैंने पहले ही आपका फ़ोन रिचार्ज करा दिया था. Yesterday we had gone to some restaurant for the office party. कल हम ऑफिस पार्टी के लिए कुछ रेस्तरा गए थे. I had had sandwich in breakfast. मैंने नाश्ते में सैंडविच लिया था. They had distributing the wedding card. वो शादी के कार्ड बांट चुके थे. He had failed in BA. वो BA में नाकाम हुआ था. I had clicked all your birthday picture. मैंने आपकी सालगिरह की तमाम तस्वीरों को क्लिक किया था. I had purchased this shirt long back. मैंने ये कमीज बहुत पहले खरीदी थी. I had got my name registered in the football team. मैंने अपना नाम फुटबॉल टीम में अंदराज करा लिया था. I had deposited the money in bank. मैंने ये रकम बैंक में जमा करा दी थी. I had returned the book to him. मैंने किताब उसे वापस कर दी थी. I had booked the ticket. मैंने टिकट बुक कराया था. I had sent the mail without attachment. मैंने बगैर मुंसलिक के मेल भेज दिया था. He had asked me to keep this to myself, but I still told you. उसने मुझसे ये बात अपने पास रखने को कहा था, लेकिन मैं फिर भी आपको बताया. He had moved to Lahore after finishing his college. वो अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद लाहौर चला गया था. Before going to the wedding, I had completed all my work. शादी से पहले मैंने अपना सारा काम कर लिया था. He had reached there long back. वो बहुत पहले ही वहाँ पहुँचा था. I had left my charger at home. मेरा चार्जर घर पर रह गया था. Sophia had appeared for the exam. सोफिया ने इम्तिहान दिया था. He had consumed a lot of alcohol. उसने बहुत ज़्यादा शराब पी थी. I had lost my mobile in Beijing. मैं बीजिंग में अपना मोबाइल खो चुका था. They had renovated their house. उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई थी. You had left before I reached. मेरे पहुंचने से पहले ही आप वहां से चले गए थे. Ali had lent me some money. अली ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे. They had invited us for dinner. उन्होंने हमें खाने के लिए मधु किया था. The company had already selected someone else. कंपनी ने पहले ही किसी और का इंतखाब किया था. I had already told you that this would happen. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा. I had lost my job because of falling ill. कंपनी ने पहले ही किसी और का इंतखाब किया था. I had avoided eating outside for a long time. मैंने काफ़ी देर से बैर खाने से गुरेज किया था. अली हैड लेफ्ट सोफिया लॉन्ग बैक. अली ने बहुत पहले ही सोफिया को छोड़ दिया था. आई हैड फॉरगेटन माई बुक्स एट होम. मैं घर पर अपनी किताबें भूल गया था. सोफिया हैड लॉक्ड मी आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ऑफ ए पिटी फाइट. छोटी सी लड़ाई होने पर सोफिया ने मुझे घर से बाहर निकाल कर अंदर से कुंडी मार ली थी. यस्टरडे आई हैड क्लाइम्ड 5 स्टेयर एज द लिफ्ट वॉज नॉट वर्किंग. मैं कल 5 मंजिला चढ़ के गया था क्योंकि लिफ्ट नहीं चल रही थी. सोफिया हैड कुक्ड अ डिलीशियस फूड यस्टरडे. कल सोफिया ने मज़ेदार खाना पकाया था. आई हैड ड्रीम्ड ऑफ ओनिंग ए लॉन्ग कार. मैंने एक लंबी सी गाड़ी लेने का सपना देखा था. द थिफ्ट हैड डिस्ट्रॉयड ऑल सीसीटीवी कैमरा बिफोर लीविंग. चोर जाने से पहले सारे सीसीटीवी कैमरे तबाह कर दिए थे. शी हैड डिसीव्ड मी विद हर फॉल्स फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर. उसने मुझे अपनी गलत फेसबुक प्रोफाइल तस्वीर के साथ धोखा दिया था. लास्ट ईयर यू हैड डिसअपॉइंटेड मी विद योर मार्क. पिछले साल आपने मुझे अपने नंबरों से मायूस किया था. बिफोर लीविंग द हाउस आई हैड चेक द गीज़र. घर छोड़ने से पहले मैंने गीज़र को चेक किया था. आई हैड फ्लर्टेड मैनी सीनियर बिफोर. इसने पहले बहुत सीनियर की चापलूसी की थी. यू हैड स्लेप्ट हिम सो हार्ड दैट हिज एयर वुड बी रैंकिंग टिल नाउ. आपने इसे इतनी सख्ती से थप्पड़ मारा था कि इसका कान अब तक बजता रहता है. I had walked 5 kilometers yesterday. मैं कल 5 किलोमीटर पैदल चला था. Ali had amazed us by scoring 6 runs
फोर टाइम इन अ रॉ। अली ने लगातार चार बार सिक्स रन बनाकर हमें हैरान कर दिया। आई हैड वॉर्न द शर्ट यू गिफ्टेड मी, मैंने शर्ट पहनी थी जो आपने मुझे तोहफे में दी थी। ही हैड प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड बी ऑन टाइम टूडे, उसने मुझे वादा किया था कि वो आज वक्त पर हाज़र होगा। दे हैड टू फिनिश द प्रेयर व्हेन वी रीच, जब हम पहुँचे तो उन्होंने नमाज ख़त्म करनी पड़ी। दे हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर डॉटर वेडिंग्स, उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर बहुत ख़र्चा किया था। आई हैड टोल्ड यू दैट आई विल बी लेट टूडे, मैंने आपको बताया था कि मुझे आज देर होगी। आई हैड प्रीपेयर्ड अ सॉन्ग फॉर द वेडिंग, मैंने शादी के लिए एक गाना तैयार किया था। सोफिया हैड ट्रबल अस ऑल नाइट, रात भर सोफिया ने हमें तकलीफ दी। आई हैड नॉट मेड एनी चेंज इन द डॉक्यूमेंट, मैंने दस्तावेज में कोई तब्दीली नहीं की थी। आई हैड नॉट टेकन अ बाथ यस्टरडे, मैंने कल नहाया नहीं था। शी हैड नॉट अटर्ड सिंगल वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ अली, वो अली के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। ही हैड स्पॉइल्ड द एंटायर फन, उसने सारा मज़ा ख़राब कर दिया था। आई हैड नेवर फ्लॉटेड एनी रूल्स इन द स्कूल, मैंने स्कूल में कभी किसी असूल की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। यू हैड नेवर सपोर्टेड मी ड्यूरिंग बैड टाइम, आपने कभी भी बुरे वक्त के दौरान मेरा साथ नहीं दिया था। आई हैड नॉट शोन एनी एक्साइटमेंट आफ्टर गेटिंग द प्रमोशन, मैंने प्रमोशन मिलने के बाद कोई जोश व खरोश ज़ाहिर नहीं किया था। आई हैव नॉट स्टार्टेड पिकिंग टिल द लास्ट मोमेंट, मैंने आखिरी लम्हे तक पैकिंग शुरू नहीं की थी। ही हिडन स्टूड देयर फॉर लॉन्ग, वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं खड़ा था। आवर स्कूल वॉज ओवर लॉन्ग बैक, इवन देन वी हिडन्ट लॉस्ट टच विद ईच अदर, हमारा स्कूल बहुत पहले से ख़त्म हो चुका था, तब भी हम एक दूसरे से रबते से महरूम नहीं हुए थे। इवन देन वी हैड मैनेज टू फ्ली, तब भी हम फरार होने में कामयाब हो गए। एवरी वन हैड लॉक्ड अस इन द रूम सो दैट वी कुड नॉट गो एनी वेयर, सब ने हमें कमरे में बंद कर दिया था ताकि हम कहीं जा ना सकें। आई हैड नेवर इवन इमेजन इन माई ड्रीम दैट आई वुड मीट टोनी रॉबिन वन डे, मैंने अपने ख्वाबों में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन टोनी रॉबिन से मिलूँगा। आई हैड नेवर थाट दैट आई वुड ट्रेवल बाई एरोप्लेन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हवाई जहाज से सफ़र करूँगा। दे हैड नेवर रिस्पेक्टेड अस बिफोर दिस, इससे पहले उन्होंने कभी भी हमारी इज्जत नहीं की थी। माई ब्रदर हैड नेवर लिसन टू मी, मेरे भाई ने कभी मेरी बात नहीं सुनी थी। My parent had not allowed me to visit Islamabad, मेरे वालदैन ने मुझे इस्लामाबाद की इजाज़त नहीं दी थी। I had not kept that a secret only to myself, मैंने वो राज सिर्फ अपने तक नहीं रखा था। Ali hadn't thought of the consequences before taking that huge risk, इस बड़े ख़तरे की बात करने से पहले अली ने नतीजे के बारे में सोचा ही नहीं था। Ali hadn't informed us about his father's health, अली ने अपने वालद की सेहत से आगाह नहीं किया था। I hadn't asked the driver to wash the car, मैंने ड्राइवर से गाड़ी धोने को नहीं कहा था। The bank had not warned us of the ATM card fraud before, इससे कबल बैंकों ने हमें ATM कार्ड के जालसाजी के से खबरदार नहीं किया था। He hadn't dropped a single hint about his wedding, उसने अपनी शादी के बारे में एक इशारा भी नहीं छोड़ा। Had she removed from that illness, क्या वो हमारी बीमारी से ठीक हो गई थी। हैड दे मैरिड अगेंस्ट द विशेज ऑफ द पेरेंट, क्या उन्होंने अपने वालदैन की ख्वाहिश के खिलाफ शादी की थी। हैड ही नॉट इनवाइटेड यू टू हिज वेडिंग, क्या उसने तुम्हें अपनी शादी पर बुलाया नहीं था। हैड यू नॉट कॉल्ड एंड आस्क्ड द ड्राइवर, क्या तुमने ड्राइवर को कॉल करके पूछा नहीं था। हैड यू फिक्स द पाइप, क्या तुमने पाइप ठीक कर दिया था। हैड यू एवर फॉट विद योर प्रीवियस बॉस, क्या तुम अपने पिछले बॉस से कभी लड़े थे। When you met him yesterday, had you questioned him about his trip, जब आप कल उससे मिले थे तो क्या आपने उनके सफ़र के बारे में सवाल किया था। Had he left before I came, क्या वो मेरे आने से पहले ही चला गया था। Had you scored above 90% during your time, क्या आपने स्कूल के दौरान 90% से ज़्यादा का नंबर हासिल किया था। Before leaving him, had you given him a second chance?
इसे छोड़ने से पहले क्या आपने इसे दूसरा मौका दिया था? Had he second that something was wrong there? क्या उसे पता चल गया था कि वहाँ कुछ गड़बड़ थी? In the last moment also had they visited you? क्या पिछले महीने में भी वो आपसे मिलने आए थे? Had he asked for any help from you? इससे पहले क्या इसने आपसे कोई मदद तलब की थी? When you had gone to watch a movie, then had Alice spilled while looking at the mobile? जब तुम मूवी देखने गए थे तब क्या अली मोबाइल देखते गिर गया था? Before the report came, had the doctor diagnosed the disease correctly? रिपोर्ट आने से पहले डॉक्टर इस बीमारी की सही तशखीस की थी? Before this, had she cooked for 10 people? इससे पहले क्या वो 10 लोगों के लिए खाना पकाती थी? That day, had you reached on time? इस दिन क्या आप वक्त पर पहुंच गए थे? Why hadn't they informed us till now? उन्होंने अब तक हमें क्यों आगाह नहीं किया था? Where had their wedding taken place? उनकी शादी कहाँ हुई थी? When had you reached Pakistan? आप कब पाकिस्तान पहुँचे थे? Where had you kept their remote? आपने रिमोट कहाँ रखा था? In Ali wedding, had you rested for some time before leaving? Ali की शादी में आप जाने से पहले कुछ वक्त आराम किया था? He was just pretending to be ill. वो सिर्फ बीमार होने का ड्रामा कर रहा था. He was making fun everyone. वो सबका मजाक उड़ा रहा था. I was going toward that shop when I was pickpocketed. मैं उस दुकान की तरफ जा रहा था जब मेरी जेब कटी. Sophia was roaming around with Ali. सोफिया अली के साथ घूम रही थी. I was calling you continually. मैं आपको लगातार कॉल कर रहा था. He was eavesdropping. वो सारी बातें पीछे से सुन रहा था. I was talking to Amjad. Just then Ali came and our conversation was left incomplete. मैं अमजद से बात कर रहा था तब ही अली तशरीफ लाए और हमारी गुफ्तगु अधूरी रह गई. Yesterday at this time we were traveling. कल इस वक्त हम सफ़र कर रहे थे. Even in dream I was seeing my boss. ख्वाब में भी मैं अपने बॉस को देख रहा था. I was having a very bad time. मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा था. I was struggling so hard to remember his name. मैं उसका नाम याद रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा था. I was stuck in the middle of something. मैं किसी काम के बीच में फंसा हुआ था. When we reached, snacks were being served. जब हम पहुंचे तो नाश्ते पेश किए जा रहे थे. I was getting so bored that I went for the movie alone. मैं इतना बोर हो रहा था कि अकेले फिल्म के लिए गया था. Kids were playing in the park. बच्चे पार्क में खेल रहे थे. Auntie was calling the vegetable vendor. आंटी सब्जी वाले को आवाज़ लगा रही थी. Nobody was bedding off after the party was over. पार्टी ख़त्म होने के बाद कोई वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था. Last Ramzan I was preparing for my exams. गुज़िश्ता रमज़ान में अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था. He was apologizing to me. वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था. Ali was standing in the principal's office. अली प्रिंसिपल के दफ्तर में खड़ा था. When the boss entered, Ali was gossiping with everyone. जब बॉस दाखिल हुआ अली सब के साथ गपशप कर रहा था. I was telling you since long that she is not the right girl. मैं आपको तवील अरसे से कह रहा था कि वो सही लड़की नहीं है. He was scaring everybody by standing behind the door. वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर सबको डरा रहा था. द बेबी वॉज स्लीपिंग क्वाइटली व्हेन द बेल रैंग. जब घंटी बजी तो बच्चा खामोशी से सो रहा था. वी वर आल्सो प्लानिंग टू शिफ्ट टू अमेरिका. हम अमेरिका शिफ्ट होने का बहुत मंसूबा बना रहे थे. अली वॉज प्लेइंग एंड सोफिया वॉज मेकिंग द वीडियो. अली खेल रहा था और सोफिया वीडियो बना रही थी. ही वॉज रनिंग आफ्टर द ट्रेन. वो ट्रेन के पीछे भाग रहा था. लास्ट नाइट समवन वॉज नोकिंग एट योर डोर. कल रात कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था. व्हेन द पावर वेंट आउट आई वॉज वॉचिंग न्यूज़. जब बिजली चली गई तो मैं खबरें देख रहा था. ही वॉज ट्राइंग टू मिस विद मी. वो मुझसे गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था. आई वॉज हैविंग लंच इन द कंटीन. मैं कंटीन में लंच कर रहा था. लास्ट वीक माई वर्क वॉज पुलिंग अप.
पिछले हफ्ते मेरा काम आगे बढ़ रहा था। He was threatening me, वो मुझे धमकियाँ दे रहा था। He was provoking me, वो मुझे इश्तियाल दिला रहा था। He was encouraging me, वो मेरा हौसला अफजाई कर रहा था। He was trying to hurt me, वो मुझे तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा था। They were trying to demean me, वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। They were taking revenge from me, वो मुझसे बदला ले रहे थे। I was pricing them, मैं उनकी लड़ाई कर रहा था। He was acting very clever, वो बहुत होशियार बन रहा था। She was ignoring me, वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। I was not leaving him alone, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। I was fooling him, मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा था। Everyone was laughing at Cookie दादा jokes, Cookie दादा के लतीफ़ों पर सब हंस रहे थे। On getting free food, everyone was feeling on one another, मुफ्त खाना पाने पर सब एक दूसरे पर गिर रहे थे। He was observing everything, वो सब देख रहा था। On the bus being late, everybody was crying about driver, बस के लेट होने पर हर कोई ड्राइवर के बारे में उल्टी सीधी सुना रहे थे। He was mimicking a dog, वो कुत्ते की नकल कर रहा था। She was teasing him, वो उसे छेड़ रही थी। I was strolling in the park when we come, जब मैं आया तो वो पार्क में टहल रहा था। He was constantly talking, वो मुसलसल बातें करता रहा। He was waiting for you, वो आपका इंतज़ार कर रहा था। She was taking the entire blame on herself, वो सारा इल्ज़ाम खुद पर ले रही थी। No medicine was working for him, उसके लिए कोई दवा काम नहीं कर रही थी। I was not sleeping when you called, जब आपने फ़ोन किया तो मैं सो नहीं रहा था। They were decorating their house for Eid, वो ईद के लिए अपना घर सजा रहे थे। He was not exaggerating, वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा था। I was not reading the message carefully, मैं मैसेज को गौर से नहीं पढ़ रहा था। I was not saying this, मैं ये नहीं कह रहा था। I was not threatening anyone, मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा था। He thought I was not noticing, उसे लगा मुझे पता नहीं चल रहा। She was not helping anyone in the kitchen, वो किचन में किसी की मदद नहीं कर रही थी। They were not accepting anything, वो कुछ कबूल नहीं कर रहे थे। You are not listening to me when I told you turn off the gas, जब मैंने आपको गैस बंद करने को कहा तो आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे। He was not listening to anyone, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। He was not frightening him, वो उसे डरा नहीं रहा था। My dog was not running towards you, मेरा कुत्ता आपकी तरफ नहीं भागा था। You were not driving carefully, आप एहतियात से गाड़ी नहीं चला रहे थे। They were not yelling, वो चीख नहीं रहे थे। Ali was not paying attention when the boss called her, अली उस वक्त तवज्जो नहीं दे रहा था जब बॉस ने उसे बुलाया। He was not making him anger, वो उसे गुस्सा नहीं दिला रहा था। I was not screaming at you, मैं तुम पर चीख नहीं मार रहा था। He was not apologizing, वो माफ़ी नहीं मांग रहा था। I was not pointing at you, मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा था। I was not saying just like that, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था। He was not forgiving him, वो इसे माफ़ नहीं कर रहा था। He was not selected for the job, उसको मुलाजमत के लिए मुंतखब नहीं किया गया था। Was he pretending to be nice person, क्या वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। Do you know what he was saying yesterday, क्या तुम जानते हो वो कल क्या कह रहा था। I was not rushing with my work, मैं अपने काम में जल्दी नहीं कर रहा था। He was not giving up till the end, वो आखिर तक हार नहीं रहा था। Were you also shopping from the same mall, क्या आप भी उसी मॉल से ख़रीदारी कर रहे थे। Were you also listening to the same song, क्या आप भी वही गाना सुन रहे थे। Who was yelling, कौन चीख रहा था। Who was calling you, तुम्हें कौन बुला रहा था। Were you not going somewhere yesterday, क्या तुम कल कहीं नहीं जा रहे थे। Was somebody calling my name, क्या कोई मेरा नाम ले रहा था। What was he trying to say, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। What was he blabbing after getting drunk, वो नशे में धुत होकर क्या बड़बड़ा रहा था। What were you doing that you broken your leg,
आप क्या कर रहे थे कि आपने अपनी टांग तोड़ दी? वाज ही इवन लिसनिंग टू यू, क्या वो आपकी बातें भी सुन रहा था? वाज ही इवन लिसनिंग टू यू, क्या वो आपकी बातें भी सुन रहा था? वर यू आस्किंग मी समथिंग, क्या तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे? वाई वाज ही गेटिंग वरीड, वो क्यों परेशान हो रहा था? वाई वाज ही शिवरिंग, वो क्यों कांप रहा था? हु वाज टेलिंग हिम ऑल दिस, कौन उसे ये सब बता रहा था? विच वीडियो आर यू वॉचिंग बिफोर दिस, इससे पहले आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं? हु वाज प्रोवोकिंग हिम, कौन उसको उकसा रहा था? ही वाज सर्चिंग फॉर जॉब, क्या वो नौकरी की तलाश में था? वाज ही वेटिंग फॉर अस, क्या वो हमारा इंतजार कर रहा था? वाज ही ग्लैड टू हिज फोन ड्यूरिंग द पार्टी, क्या वो पार्टी के दौरान अपने फ़ोन से चिपक गया था? वट आर यू ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मोर इन्फॉर्मेशन फ्राम हिम, आप उससे मज़ीद मालूम किस तरह निकालने की कोशिश कर रहे थे? वट वर यू एडवाइसिंग हिम, आप उसे क्या मशवरा दे रहे थे? वर यू आल्सो ग्लैड टू हिज वीडियो टिल द एंड, क्या आप भी आखिर तक किस वीडियो से चिपके रहे? आई विल शिफ्ट टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँगा। वी विल गेट आवर हाउस वाइट वॉश ड्यूरिंग ईद होलीडे, ईद की छुट्टी के दौरान हम अपने घर को सफ़ेद धो लेंगे। आफ्टर फिनिशिंग माई कॉलेज आई विल सर्च फॉर अ जॉब फैसलाबाद, कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैं फैसलाबाद में नौकरी ढूंढने जाऊँगा। आई विल अरेंज फॉर सम लोन फॉर बाइंग अ कार, मैं गाड़ी खरीदने के लिए कुछ कर्जे का इंतज़ाम करूँगा। ही विल एम बी ए फ्राम अमेरिका, वो अमेरिका से एम बी ए करेगा। आवर यूनिवर्सिटी विल ओपन इन नवम्बर, हमारी यूनिवर्सिटी नवंबर में खुलेगी। आई विल गेट सेटल इन माई लाइफ बाई द टाइम आई टर्न 30, 30 साल की उम्र में मैं अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाऊँगा। आई विल डू सम पिटी जॉब अलॉन्ग विद माई स्टडीज़, मैं अपनी तलीम के साथ कुछ छोटी मोटी नौकरी करूँगा। आई विल टेक आ लीव ऑन मंडे, मैं पीर को छुट्टी लूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। I will have to look into it, मुझे उस पर गौर करना होगा। Today I will go for getting these item exchange, आज मैं इन चीज़ों का तबादला करने जाऊँगा। They will vacate this house next month, they will vacate the house next month, वो अगले माह घर खाली कर देंगे। I will have to reach office early from tomorrow, मुझे कल से जल्दी ऑफिस पहुंचना है। माई इंश्योरेंस पॉलिसी विल गेट मैच्योर्ड आफ्टर 5 years, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी 5 साल बाद पुख्ता हो जाएगी। आई विल स्विच माई जॉब नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल नौकरी बदल लूँगा। आई विल एक्सरसाइज डेली फ्राम टमारो, मैं कल से रोज़ाना वर्जिश करूँगा। इफ़ द वेदर इम्प्रूव्स वी विल गो ऑन ए पिकनिक, अगर मौसम बेहतर हुआ तो हम पिकनिक पर जाएंगे। प्लीज़ क्लोज द डोर अदरवाइज द मस्कीटो विल एंटर, दरवाज़ा बंद कर दो नहीं तो मच्छर अंदर आ जाएंगे। द रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक रिज़ल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। इफ़ इट रेन ऑल क्लॉथ विल गेट ड्रेंच्ड, अगर बारिश हुई तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। प्लीज़ क्लोज द बॉक्स टाइटली अदरवाइज द बिस्कुट विल बी स्विगी, ब्राय करम बॉक्स को मजबूती से बंद करें, बसूरत दीगर बिस्कुट स्वगवार हो जाएंगे। प्लीज़ मोप द फ्लोर अदरवाइज बाय समवन वाइल स्लैप, ब्राय करम फर्श को साफ कर दें वरना कोई फिसल जाएगा। इफ़ यू कम फर्स्ट यू विल गेट दिस साइकिल, अगर तुम पहली पोजीशन पर आए तो तुम्हें साइकिल मिलेगा। इफ़ द रेंट इज़ लो आई विल टेक दैट फ्लैट, अगर किराया कम है तो मैं वो फ्लैट लूँगा। द ट्रेन विल डिपार्ट लेट टूडे, ट्रेन आज देर से रवाना होगी। वी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, हम अगले साल एक नई कार खरीदेंगे। इफ़ यू डाउनलोड दिस ऐप यू विल गेट कैश बैक, अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको कैश बैक मिल जाएगा। वाइल द डिनर गेट्स प्रिपेयर्ड वी विल वॉच टीवी, जब रात का खाना तैयार होता है तो हम टीवी देखेंगे। Our work will be late because we incomplete document, नामुकम्मल दस्तावेज़ की वजह से हमारा काम देर से हो जाएगा।
आई विल टेक ब्रेड एंड जॉट कट इन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते में रोटी और दही लूँगा। माई पेरेंट्स विल रिटर्न फ्राम हज टमारो, मेरे वालदैन कल हज से वापस आएंगे। इफ़ यू लूज दैट वेट यू विल गिव मी 1000, अगर आप ये शर्त हार जाते हैं तो आप मुझे 1000 रुपये देंगे। ही विल फार गेट योर बर्थ डे इवन दिस ईयर, वो इस साल भी आपकी सालगिरह भूल जाएगा। वी विल बाय अ न्यू टीवी ऑन ईद, हम ईद पर नया टीवी खरीदेंगे। आई विल वेयर न्यू क्लॉथ ऑन ईद, मैं ईद पर नए कपड़े पहनूंगा। आई कांट कमिट बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल गेट द मेडिसन, मैं इर्तिकाब नहीं कर सकता लेकिन शायद मुझे दवाई मिलेगी। आई विल हैव टू रीच देयर बाय 8 AM, मुझे सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचना होगा। इट विल स्नो कंटिन्यूली इन मरी, इट विल स्नो कंटिन्यूली इन मरी फॉर द नेक्स्ट 5 days, आइंदा कुछ दिन मरी में मुसलसल बर्फबारी होगी। आई विल लेट यू नो आफ्टर गिविंग इट अ थॉट, मैं इसे सोचने के बाद बताऊँगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई विल वेट फॉर योर कॉल, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। यू विल बी फाइन, आप ठीक हो जाएंगे। इफ़ आई डोंट परफॉर्म वेल आई विल गेट रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स, अगर मैं अच्छे से काम नहीं किया तो मेरी जगह किसी और को लगा दिया जाएगा। वी विल शिफ्ट टू ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। He will be reaching here any minutes, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचता होगा। The kids will sleep after coming from tuition, ट्यूशन से आने के बाद बच्चे सो जाएंगे। She will have to go to the hospital tomorrow, कल उसे अस्पताल जाना पड़ेगा। I will get bored by sitting idle at home, मैं घर में बेकार बैठकर बोर हो जाऊँगा। The bottle will not leak, ये बोतल लीक नहीं होगी। I won't be able to come, मैं नहीं आ सकूँगा। He won't be able to repay his loan, वो अपना कर्ज़ा वापस नहीं कर सकेगा। I will never trust anybody, मैं कभी किसी पर एतबार नहीं करूँगा। If don't recharge my cable today, that the channel will not work from tomorrow, अगर मैं आज अपनी केबल को रिचार्ज नहीं कराता हूँ तो कल से चैनल्स काम नहीं करेंगे। He will not ditch you, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। I will not have that much time, मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा। I will never tolerate this behavior, मैं ये बर्ताव कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। Nothing will happen to you, तुम्हें कुछ नहीं होगा। I will never go to that restaurant again, मैं फिर उस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊँगा। My parents will never allow me to go on a trip, मेरे वालदैन मुझे कभी सफ़र में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। If it were in my hand, I will not let anyone become the Prime Minister, अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। I will not be able to arrange that much money, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा। If this goes on, you will never pass on your exam, अगर ये जारी रहता है तो आप कभी भी अपने इम्तिहानात में कामयाब नहीं हो सकते। What will you do after 12th? आप 12वीं के बाद क्या करेंगे? What will you do after going there? वहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे? Which all documents will be required for opening a bank account? बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कौन से तमाम दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी? Will you go to Pakistan next month? क्या आप अगले महीने पाकिस्तान जाएंगे? What will you do with your first salary? तुम अपनी पहली तनख्वाह का क्या करोगे? How will you manage your expense? आप अपने अखराजात का इंतज़ाम कैसे करेंगे? What will you do on your anniversary? आप अपनी सालगिरह पर क्या करोगे? What will you like to have for dinner? आप रात के खाने के लिए क्या पसंद करेंगे? When will you prepare for exam? आप इम्तिहानात के लिए कब तैयारी करेंगे? Will you take revenge from him? क्या तुम उससे बदला लोगे? How long will it take for dinner? रात के खाने के लिए कितना वक्त लगेगा? Who will come to drop you to the station?
कौन स्टेशन पर आपको छोड़ने के लिए आएगा, कौन स्टेशन पर आपको छोड़ने के लिए आएगा। विल दिस शर्ट लुक फाइन विद दिस जीन्स, क्या ये शर्ट इस जीन्स के साथ ठीक नज़र आएगी। विल यू हैव कॉफ़ी विद मी, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पियोगे। विल यू गो होम ऑन ईद, क्या आप ईद पर घर जाएंगे। विल यू हैव बर्गर इन ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ते में बर्गर खाओगे। विल यू मैनेज टू गो बाय योरसेल्फ, क्या तुम अकेले चले जाओगे। विल एनीबॉडी कम टू द एयरपोर्ट टू पिक यू अप, क्या तुम्हें लेने के लिए कोई एयरपोर्ट आएगा। विल यू शट अप, क्या तुम चुप रहोगे। विल यू रीच ऑन टाइम, क्या आप वक्त पर पहुंच जाएंगे। विल यू बाय एनीथिंग ड्यूरिंग सेल्स, क्या इस बार सेल में तुम कुछ खरीदोगे। विल यू टेक अ टैक्सी टू गो होम, क्या तुम घर जाने के लिए टैक्सी ले जाओगे। विल इट बी सेफ टू ट्रैवल बाय कैब, क्या ये टैक्सी से सफ़र करना महफूज होगा। विल यू विजिट द डॉक्टर टुडे, क्या तुम आज डॉक्टर के पास जाओगे। वट विल यू गिफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, तुम मेरी सालगिरह पर मुझे क्या तोहफा दोगे। विल यू गो टू वॉच अ मूवी, क्या आप एक फिल्म देखने के लिए जाएंगे। विल यू अप्लाई फॉर लीव फॉर द न्यू ईयर, क्या आप नए साल की छुट्टियों के लिए दरख्वास्त देंगे। विल यू गो बैक एट दिस टाइम, क्या आप इस वक्त वापस जाएंगे। विल इट बी सेफ टू टेक दैट रोड इन इवनिंग, क्या शाम को इस रोड से आना महफूज होगा। नेक्स्ट ईयर द विल हैव बीन मैरिड फॉर टू ईयर्स, अगले साल उनकी शादी को 2 साल हो रहे होंगे। बाय द टाइम द इवेंट विल एंड, तालब विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, जब तक प्रोग्राम ख़त्म होगा तब तक तालब को गाते हुए 2 घंटे हो रहे होंगे। इफ़ वी डोंट रीच ऑन टाइम द किड्स विल हैव बीन प्लेइंग टिल 10 o'clock, अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते हैं तो बच्चे 10 बजे तक सोते रहेंगे। टिल 9 o'clock वी विल हैव बीन रूमिंग इन इस्लामाबाद प्लेस, रात 9 बजे तक हम इस्लामाबाद की जगह पर घूम रहे होंगे। वी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, इन 2021 वी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, 2021 में हमें यहाँ रहते हुए 3 साल हो रहे होंगे। ऑन मंडे टिल 4 PM वी विल हैव बीन गिविंग आवर एग्ज़ाम फॉर 3 आवर्स, पीर को सुबह 4 बजे तक हम 3 घंटे से अपना इम्तहान दे रहे होंगे। टिल नेक्स्ट वीक वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू टू रिटर्न, अगले हफ्ते तक हम आपके वापसी का इंतज़ार कर रहे होंगे। टमोरो एट दिस टाइम ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 8 AM, कल इस वक्त वो सुबह के 8 बजे से किताब पढ़ रहा होगा। इन जनवरी आई विल हैव बीन कम्प्लीटिंग एन ईयर इन दिस कंपनी, जनवरी में मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो रहा होगा। नेक्स्ट ईयर इन अगस्त शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, अगले साल अगस्त में उसे इंग्लिश सिखाते हुए 10 साल हो रहे होंगे। शी विल हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ अली लाइक दिस ओनली फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर, वो अगले 10 साल तक भी अली की ऐसे ही ख्याल रख रही होगी। टमोरो एट दिस टाइम वी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 30 आवर्स, कल इस वक्त हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 30 घंटे हो रहे होंगे। टमोरो व्हेन यू कम आई विल हैव बीन स्लीपिंग, कल जब आप आएंगे मैं सो रहा होऊंगा। टमोरो ही विल हैव बीन ड्राइविंग सिंस 3 AM फॉर रीचिंग कराची ऑन टाइम, कल वो सुबह 3 बजे से ही गाड़ी चला रहा होगा वक्त पर कराची पहुंचने के लिए। ही विल हैव बीन कम्प्लीटिंग हिज वर्क बाय द टाइम वी रिटर्न, जब हम वापस आएंगे तब तक वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन 5 आवर्स, डॉक्टर 5 घंटे तक ऑपरेशन नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट मंथ ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 मंथ, अगले महीने उसे यहाँ काम करते हुए 5 महीने नहीं हुए होंगे। इवन नेक्स्ट ईयर ही विल नॉट हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस फॉर 5 ईयर्स, अगले साल भी उसके कारोबार चलाते हुए 5 साल नहीं होंगे। ई कॉमर्स कंपनीज विल नॉट हैव बीन गिविंग सो मैनी डिस्काउंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ई कॉमर्स कंपनियाँ अगले 5 सालों में इतनी छूट नहीं दे रही होंगी।
They will not have been using their car since September. वो सितंबर से अपनी गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे. Next year will we be completing 2 years in this house? अगले साल क्या हमें इस घर में 2 साल हो रहे होंगे? Will you have been staying in China for the next year as well? क्या तुम अगले साल तक भी चाइना में रहे होंगे? Will you have been eating veg food even after 6 months? क्या आप 6 माह बाद भी सब्जी का खाना खा रहे होंगे? When we reach home, will the kids have been making noise for 2 hours? जब हम घर पहुंचेंगे तो क्या बच्चे 2 घंटे तक शोर मचाते रहेंगे? I had twist my ankle today. आज मेरा पाँव मुड़ गया था. I had defeated many big players during my time. मैंने अपने दौर में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को शिकस्त दी थी. If you had listened to me, we would not have been in this state today. अगर आप मेरी बात मानते तो आज हम इस हालत में ना होते. When you called up your courier had already arrived. जब आपने फ़ोन किया तो आपका कोरियर पहले ही आ गया था. I had gone to meet Mujahid without informing at home. मैं घर बताए बगैर मुजाहिद से मिलने गया था. I had already recharged your phone. मैंने पहले ही आपका फ़ोन रिचार्ज करा दिया था. Yesterday we had gone to some restaurant for office party. कल हम ऑफिस पार्टी के लिए कुछ रेस्तरां गए थे. I had had sandwich in breakfast. मैंने नाश्ते में सैंडविच लिया था. They had distributing the wedding cards. वो शादी के कार्ड बांट चुके थे. He had failed in BA. वो BA में नाकाम हुआ था. I had clicked all your birthday picture. मैंने आपकी सालगिरह की तमाम तस्वीरों को क्लिक किया था. I had purchased this shirt long back. मैंने ये कमीज बहुत पहले ख़रीदी थी. I had got my name registered in the football team. मैंने अपना नाम फुटबॉल टीम में अंदराज करा लिया था. I had deposited the money in the bank. मैंने ये रकम बैंक में जमा करा दी थी. I had returned the book to him. मैंने किताब उसे वापस कर दी थी. I had booked the ticket. मैंने टिकट बुक कराया था. I had sent the mail without attachment. मैंने बगैर मुंसलिक के मेल भेज दिया था. He had asked me to keep this to myself, but I still told you. उसने मुझसे ये बात अपने पास रखने को कहा था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया. He had moved to Lahore after finishing his college. वो कॉलेज ख़त्म करने के बाद लाहौर चला गया था. Before going to the wedding, I had completing my all work. शादी से पहले मैं अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया था. He had reached there long back. वो बहुत पहले वहाँ पहुँचा था. आई हैड लेफ्ट माई चार्जर एट होम. मेरा चार्जर घर पर रह गया था. सोफिया हैड अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. सोफिया ने इम्तिहान दिया था. ही हैड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ अल्कोहल. उसने बहुत ज़्यादा शराब पी थी. आई हैड लॉस्ट माई मोबाइल इन बीजिंग. मैं बीजिंग में अपना मोबाइल खो चुका था. दे हैड रिनोवेटेड दियर हाउस. उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई थी. You had left before I reached. मेरे पहुँचने से पहले आप वहाँ से चले गए थे. Ali had lent me some money. Ali ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे. I had stopped it gone to Ali place. मैंने Ali की जगह जाना छोड़ दिया था. They had invited us for dinner. उन्होंने हमें खाने के लिए मधु किया था. The company had already selected someone else. कंपनी ने पहले ही किसी और का इंतखाब किया था. I had already told you that this would happen. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा. I had lost my job because of falling ill. कंपनी ने पहले ही किसी और का इंतखाब किया था. I had avoided eating outside for a long time. मैंने काफ़ी देर से बाहर खाने से गुरेज किया था. Ali had left Sophia long back. Ali ने बहुत पहले ही सोफिया को छोड़ दिया था. I had forgotten my books at home. मैं घर पर अपनी किताबें भूल गया था. सोफिया हैड लॉक्ड मी आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ए पिटी फाइट. छोटी सी लड़ाई होने पर सोफिया ने मुझे घर से बाहर निकाल कर अंदर से कुंडी मार ली थी. यस्टरडे आई हैड क्लाइम्ड 5 स्टेयर एज द लिफ्ट वॉज नॉट वर्किंग. कल मैं 5 मंजिला चढ़ के गया था क्योंकि लिफ्ट नहीं चल रही थी. सोफिया हैड कुक्ड अ डिलीशियस फूड यस्टरडे. कल सोफिया ने मज़ेदार खाना पकाया था. आई हैड ड्रीम्ड ऑफ ओनली ए लॉन्ग कार.
मैंने एक लंबी सी गाड़ी लेने का सपना देखा था। द थेफ्ट हैड डिस्ट्रॉय ऑल सीसीटीवी कैमरास बिफोर लीविंग। चोर जाने से पहले सारे सीसीटीवी कैमरा तबाह करके दिए थे। शी हैड डिसीव्ड मी विद हर फॉल्स फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर। उसने मुझे अपनी गलत फेसबुक प्रोफाइल तस्वीर के साथ धोखा दिया था। लास्ट ईयर यू हैड डिसअपॉइंटेड मी विदाउट योर मार्क। पिछले साल आपने मुझे अपने नंबरों से मायूस किया था। आई हैड बिफोर लीविंग द हाउस आई हैड चेक द गीज़र। घर छोड़ने से पहले मैंने गीज़र को चेक किया था। ही हैड फ्लर्टेड मैनी सीनियर बिफोर। उसने पहले बहुत सीनियर की चापलूसी की थी। यू हैड स्लैप्ड हिम सो हार्ड दैट हिज ईयर वुड बी रिंगिंग टिल नाउ। आपने उसे इतनी सख्ती से थप्पड़ मारा था कि उसका कान अब तक बजता रहता है। आई हैड वॉक्ड 5 किलोमीटर यस्टरडे। मैं कल 5 किलोमीटर पैदल चला था। अली हैड अमेज्ड अस बाय स्कोरिंग 6 रन 4 टाइम इन अ रो। अली ने लगातार 4 रन बना कर हमें हैरान कर दिया। आई हैड वॉर्न द शर्ट यू गिफ्ट मी। मैंने शर्ट पहनी थी जो आपने मुझे तोहफे में दी थी। ही हैड प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड बी ऑन टाइम टूडे। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आज का वक्त पर हाजिर होगा। दे हैड टू फिनिश द प्रेयर वेन वी रीच। जब हम पहुंचे तो उन्हें नमाज ख़त्म करनी पड़ी। दे हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर डॉटर वेडिंग्स। उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर बहुत खर्चा किया था। आई हैड टोल्ड यू दैट आई विल बी लेट टूडे। मैंने आपको बताया था कि मुझे आज देर होगी। आई हैड प्रीपेड अ सॉन्ग फॉर द वेडिंग। मैंने शादी के लिए एक गाना तैयार किया था। सोफिया हैड ट्रबल अस ऑल नाइट। रात भर सोफिया ने हमें तकलीफ दी। आई हैड नॉट मेड एनी चेंज इन द डॉक्यूमेंट। मैंने दस्तावेज में कोई तब्दीली नहीं की थी। आई हैड नॉट टेकन अ बाथ यस्टरडे। मैं कल नहीं नहाया था। शी हैड नॉट अटर्ड सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ अली। वो अली के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। ही हैड स्पॉइल्ड द एंटायर फन। उसने सारा मजा ख़राब कर दिया था। ही हैड नेवर फ्लॉटेड एनी रूल इन द स्कूल। मैंने स्कूल में कभी किसी असूल के खिलाफ वर्जी नहीं की थी। यू हैड नेवर सपोर्टेड मी ड्यूरिंग बैड टाइम। आपने कभी भी बुरे वक्त के दौरान मेरा साथ नहीं दिया था। आई हैड शोन एनी एक्साइटमेंट आफ्टर गेटिंग द प्रमोशन। मैंने प्रमोशन मिलने के बाद कोई भी जोश खरोश जाहिर नहीं किया था। आई हैव नॉट स्टार्टेड पिकिंग टिल द लास्ट मोमेंट। मैंने आखिरी लम्हे तक पैकिंग शुरू नहीं की थी। आई हिडन्ट स्टूड देयर फॉर लॉन्ग। वो वहाँ ज़्यादा देर नहीं खड़ा था। आवर स्कूल वॉज ओवर लॉन्ग बैक इवन देन वी हिडन्ट लॉस्ट टच विद ईच अदर। हमारा स्कूल बहुत पहले से ख़त्म हो चुका था, तब भी हम एक दूसरे से रबते से महरूम नहीं हुए थे। इवन देन वी हैड मैनेज टू फ्ली। तब भी हम फरार होने में कामयाब हो गए। एवरी वन हैड लॉक्ड अस इन द रूम सो दैट वी कुड नॉट गो एनीवेयर। सब ने हमें कमरे में बंद कर दिया था ताकि हम कहीं ना जा सकें। आई हैड नेवर इवन इमेजिनड इन माई ड्रीम दैट आई वुड मेट टोनी रॉबिंस वन डे। मैंने अपने ख्वाबों में भी कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन टोनी रॉबिंस से मिलूँगा। आई हैड नेवर थॉट दैट आई वुड ट्रेवल बाई एरोप्लेन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हवाई जहाज में सफ़र करूँगा। दे हैड नेवर रिस्पेक्टेड अस बिफोर दिस। उससे पहले उन्होंने कभी भी हमारी इज्जत नहीं की थी। माई ब्रदर हैड नेवर लिसन टू मी। मेरे भाई ने कभी मेरी बात नहीं सुनी थी। माई पेरेंट हैड नॉट अलाउड मी टू विजिट इस्लामाबाद। मेरे वालदैन ने मुझे इस्लामाबाद की इजाज़त नहीं दी थी। आई हैड नॉट कीप दैट अ सीक्रेट ओनली टू माई सेल्फ। मैंने वो राज सिर्फ अपने तक नहीं रखा था। अली हिडन थॉट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर टॉकिंग दैट ह्यूज रेस। इसे बड़े खतरे की बात करने से पहले अली ने नतीज के बारे में सोचा ही नहीं था। अली डिडंट इन्फॉर्म अस अबाउट हिज फादर हेल्थ। अली ने हमें अपने वालिद की सेहत से आगाह नहीं किया था। आई हिडंट आस्क द ड्राइवर टू वॉश द कार। मैंने ड्राइवर से गाड़ी धोने को नहीं कहा था। द बैंक हैड नॉट आंसर्ड अस ऑफ द ATM कार्स फ्रॉड्स बिफोर। इससे कबल बैंकों ने हमें ATM कार्स की जालसाजी से खबरदार नहीं किया था। He didn't drop a single hint about his wedding. उसने अपनी शादी के बारे में एक इशारा भी नहीं छोड़ा। Had she recovered from that illness? क्या वो इस बीमारी से ठीक हो गए थे?
Had she recovered from that illness? क्या वो इस बीमारी से ठीक हो गई थी? Had they married against the wishes of their parents? क्या उन्होंने अपने वालदैन की ख्वाहिश के खिलाफ शादी की? Had he not invited you to his wedding? क्या उसने तुम्हें अपनी शादी पर बुलाया नहीं था? Had you not called and asked the driver? क्या तुमने ड्राइवर को कॉल करके पूछा नहीं था? Had you fixed the pipe? क्या तुमने पाइप ठीक कर दिया था? Had you ever fought with your previous boss? क्या तुम अपने पिछले बॉस से कभी लड़े थे? When you met him yesterday, had you questioned him about his trip? जब आप कल उससे मिले थे, तो क्या आपने इनके सफ़र के बारे में सवाल किया था? Had he left before I came? कल वो मेरे आने से पहले ही चला गया था. Had you scored above 90% during your school time? क्या आपने स्कूल के दौरान 90% से ज़्यादा का नंबर हासिल किया था? Before leaving him, had you giving him a second chance? उसे छोड़ने से पहले क्या आपने उसे दूसरा मौका दिया था? Had he sensed that something was wrong there? क्या उसे पता चल गया था कि वहाँ कुछ गड़बड़ थी? In the last month also, had they visited you? क्या पिछले महीने में भी वो आपसे मिलने आए थे? Before this, had he asked for any help from you? इससे पहले क्या उसने आपसे कोई मदद तलब की थी? When you had gone to watch a movie, then had Ali spilled while looking at the mobile? जब तुम मूवी देखने गए थे, तब क्या अली मोबाइल देखते गिर गया था? Before the report came, had the doctor diagnosed the disease correctly? रिपोर्ट आने से पहले डॉक्टर ने इस बीमारी की सही तशखीस की थी? Before this, had she cooked for 10 people? इससे पहले क्या वो 10 लोगों के लिए खाना पकाती थी? That day, had you reached on time? इस दिन क्या आप वक्त पर पहुंच गए थे? उस दिन क्या आप वक्त पर पहुंच गए थे? Why hadn't they informed us till now? उन्होंने अब तक हमें क्यों आगाह नहीं किया था? Where had their wedding taken place? उनकी शादी कहाँ हुई थी? When had you reached Pakistan? आप कब पाकिस्तान पहुँचे थे? Where had you kept the remote? आपने रिमोट कहाँ रखा था? In Ali wedding, had you rested for some time before leaving? अली की शादी में आप जाने से पहले कुछ वक्त आराम किया था? He was just pretending to be ill. वो सिर्फ बीमार होने का ड्रामा कर रहा था. He was making fun everyone. वो सब का मजाक उड़ा रहा था. I was going towards that shop when I was pickpocketed. मैं उस दुकान की तरफ जा रहा था जब मेरी जेब कटी. Sophia was roaming around with Ali. Sophia Ali के साथ घूम रही थी. I was calling you continually. मैं आपको लगातार कॉल कर रहा था. He was eavesdropping. वो सारी बातें पीछे से सुन रहा था. I was talking Amjad. Just then Ali came and our conversation was left incomplete. मैं Amjad से बात कर रहा था, तब ही अली तशरीफ लाए और हमारी गुफ्तगू अधूरी रह गई. Yesterday at this time we were traveling. कल इस वक्त हम सफ़र कर रहे थे. Even in dream I was seeing my boss. ख्वाब में भी मैं अपने बॉस को देख रहा था. I was having a very bad time. मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा था. I was struggling so hard remember his name. मैं उसका नाम याद रखने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा था. I was stuck in the middle of something. मैं किसी काम के बीच में फंसा हुआ था. When we reached, snacks were being served. जब हम पहुँचे तो नाश्ते पेश किए जा रहे थे. I was getting so bored that I went for the movie alone. मैं इतना बोर हो रहा था कि मैं अकेले फिल्म के लिए गया था. Kids were playing in the park. बच्चे पार्क में खेल रहे थे. Auntie was calling the vegetable vendor. Auntie सब्जी वाले को आवाज़ लगा रही थी. No bedding was bedding off after the party was over. पार्टी ख़त्म होने के बाद कोई वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था. Last रमज़ान I was preparing for my exam. गुज़िश्ता रमज़ान मैं अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था. He was apologizing to him. वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था. अली वाज स्टैंडिंग इन द प्रिंसिपल ऑफिस.
अली प्रिंसिपल के दफ्तर में खड़ा था। When the boss entered, Ali was gasping with everyone. जब बॉस दाखिल हुआ अली साहब के साथ गपशप कर रहा था। I was telling you since long that she is not the right girl. मैं आपको तवील अरसे से कह रहा था कि वो सही लड़की नहीं है। Ali was scaring everybody standing behind the door. वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर सबको डरा रहा था। The baby was sleeping quietly when the bell rang. जब घंटी बजी तो बच्चे खामोशी से सो रहा था। We were also planning to shift to America. हम अमेरिका शिफ्ट होने का भी मंसूबा बना रहे थे। Ali was playing and Sophia was making the video. अली खेल रहा था और सोफिया वीडियो बना रही थी। He was running after the train. वो ट्रेन के पीछे भाग रहा था। Last night someone was knocking at your door. कल रात कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। When the power went out, I was watching news. जब बिजली चली गई तो मैं खबरें देख रहा था। He was trying to mess with me. वो मुझसे गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। I was having lunch in the canteen. मैं कैंटीन में लंच कर रहा था। Last week my work was pulling up. पिछले हफ्ते मेरा काम आगे बढ़ रहा था। He was threatening me. वो मुझे धमकियां दे रहा था। He was provoking me. वो मुझे इश्तियाल दिला रहा था। He was encouraging me. वो मेरी हौसला अफजाई कर रहा था। He was trying to hurt me. वो मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रहा था। They were trying to demean me. वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। They were taking revenge from me. वो मुझसे बदला ले रहे थे। I was praising them. मैं उनकी बड़ाई कर रहा था। He was acting very clever. वो बहुत होशियार बन रहा था। She was ignoring me. वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। I was not leaving him alone. मैं उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। I was fooling him. मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा था। I was fooling him. मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा था। Everyone was laughing at Cookie दादा jokes. Cookie दादा के लतीफ़ों पर सब हंस रहे थे। On getting free food, everyone was feeling on one another. मुफ्त खाना पाने पर सब एक दूसरे पर गिर रहे थे। He was observing everything. वो सब देख रहा था। On the bus being late, everybody was crying about the driver. बस के लेट होने पर हर कोई ड्राइवर के बारे में उल्टी सीधी सुना रहे थे। He was making a dog. वो कुत्ते की नकल कर रहा था। She was teasing him. वो उसे छेड़ रही थी। He was strolling in the park when he came. जब वो आए तो मैं पार्क में टहल रहा था। He was constantly talking. वो मुसलसल बातें करता रहा। He was waiting for you. वो आपका इंतज़ार कर रहा था। She was taking the entire blame on herself. वो सारा इल्ज़ाम खुद पर ले रही थी। No medicine was working for him. उसके लिए कोई दवा काम नहीं कर रही थी। I was not sleeping when you called. जब आपने फ़ोन किया तो मैं सो नहीं रहा था। They were decorating their house for Eid. वो ईद के लिए अपना घर सजा रहे थे। He was not exaggerating. वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा था। I was not reading the messages carefully. मैं मैसेज को गौर से नहीं पढ़ रहा था। I was not saying this. मैं ये नहीं कह रहा था। I was not threatening anyone. मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा था। He thought I was not noticing. उसे लगा मुझे पता नहीं चल रहा। She was not helping anyone in the kitchen. वो किचन में किसी की मदद नहीं कर रही थी। They were not accepting anything. वो कुछ कबूल नहीं कर रहे थे। You are not listening to me when I told you to turn off the gas. जब मैंने आपको गैस बंद करने को कहा था तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। He was not listening to anyone. वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। He was not frightening him. वो उससे डरा नहीं रहा था। My dog was not running towards you. मेरा कुत्ता आपकी तरफ नहीं भागा था। You were not driving carefully. आप एहतियात से गाड़ी नहीं चला रहे थे। They were not yelling. वो चीख नहीं रहे थे। Ali was not paying attention when the boss called him. Ali उस वक्त तवज्जो नहीं दे रहा था जब बॉस ने उसे बुलाया। He was not making him anger. वो उसे गुस्सा नहीं दिला रहा था। I was not scaring at you. मैं तुम पर चीख नहीं रहा था।
ही वॉज नॉट अपोलोजाइजिंग, वो माफ़ी नहीं मांग रहा था। आई वॉज नॉट पॉइंटिंग एट यू, मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट सेइंग जस्ट लाइक दैट, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा था। ही वॉज नॉट फॉरगिविंग हिम, वो इसे माफ़ नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, इसको मुलाजमत के लिए मुंतखब नहीं किया गया था। वॉज ही प्रिटेंडिंग टू बी ए नाइस पर्सन, क्या वो अच्छा बनने का नाटी कर रहा था। डू यू नो वट ही वॉज सेइंग यस्टरडे, क्या तुम जानते हो वो कल क्या कह रहा था। आई वॉज नॉट रशिंग विद माई वर्क, मैं अपने काम में जल्दी नहीं कर रहा था। ही वॉज गिविंग अप टिल द एंड, वो आखिर तक हार नहीं रहा था। वर यू ऑल्सो शॉपिंग फ्राम द सेम मॉल, क्या आप भी उस मॉल से ख़रीदारी कर रहे थे। वर यू ऑल्सो लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग, क्या आप भी वही गाना सुन रहे थे। हु वॉज यलिंग, कौन चीख रहा था। हु वॉज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा था। वर यू नॉट गोइंग समवेयर यस्टरडे, क्या तुम कल कहीं नहीं जा रहे थे। वॉज समबॉडी कॉलिंग माई नेम, क्या कोई मेरा नाम ले रहा था। वट वॉज ही ट्राइंग टू से, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वट वॉज ही ब्लैबरिंग आफ्टर गेटिंग ड्रंक, वो नशे में धुत होकर क्या बड़बड़ा रहा था। वट वर यू डूइंग दैट यू ब्रोकन योर लेग, आप क्या कर रहे थे कि आपने अपनी टांग तोड़ दी। वॉज ही इवन लिसनिंग टू यू, क्या वो आपकी बातें भी सुन रहा था। वर यू आस्किंग मी समथिंग, तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो। वाई वॉज ही गेटिंग वरीड, वो क्यों परेशान हो रहा था। वाई वॉज ही शेवरिंग, वो क्यों कांप रहा था। हु वॉज टेलिंग हिम ऑल दिस, कौन इसे ये सब बता रहा था। विच वीडियो आर यू वॉचिंग बिफोर दिस, इससे पहले आप कौन से वीडियो देख रहे हैं। हु वॉज प्रोवोकिंग हिम, कौन उसे उकसा रहा था। वॉज ही सर्चिंग फॉर अ जॉब, क्या वो नौकरी की तलाश में था। वॉज ही वेटिंग फॉर अस, क्या वो हमारा इंतज़ार कर रहा था। वॉज ही ग्लैड टू हिज फोन ड्यूरिंग द पार्टी, क्या वो पार्टी के दौरान अपने फ़ोन पर चिपक गया था। वट आर यू ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मोर इन्फॉर्मेशन फ्राम हिम, आप उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन किस तरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वट वर यू एडवाइसिंग हिम, आप उसे क्या मशवरा दे रहे थे। वर यू ऑल्सो ग्लैड टू दिस वीडियो टिल द एंड, क्या आप भी आखिर तक इस वीडियो से चिपके रहे।